हेलो फ्रेंड्स, वैली ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है और हमारा आज का स्पार्क ऑफ विजडम है कि सीक्रेट टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। सुखी गृहस्थी का रहस्य क्या है? सुखी गृहस्थी का पहला रहस्य है सही व्यक्ति का चुनाव और दूसरा रहस्य है पति एवं पत्नी के बीच सामंजस्य का होना। सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करें? सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दोनों की प्रवृत्तियां एक समान मिलनी चाहिए। यदि कोई लौकिक माइंडसेट का व्यक्ति है, मींस यदि कोई भोगी व्यक्ति है, कोई मैटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, तो उसका योगी माइंडसेट के व्यक्ति के साथ, मतलब स्पिरिचुअल माइंडसेट व्यक्ति के साथ संतुलन नहीं खा सकता। इसीलिए एक लौकिक या भोगी व्यक्ति का दूसरे लौकिक या भोगी व्यक्ति के साथ ही संतुलन खाएगा। यदि स्त्री एवं पुरुष दोनों की प्रकृति लौकिक है, मैटेरियलिस्टिक है, दोनों ही भोगी हैं, तो दोनों आपस में सामंजस्य बिठाकर गृहस्थी का जीवन अपना सुचारू तरीके से चला सकते हैं। एक भोगी व्यक्ति का दूसरे आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ, मतलब प्रवृत्तियां अगर भिन्न हो तो नहीं बन सकता। मतलब कंपैटिबिलिटी मैच करना वो बहुत जरूरी है, तभी दूसरा जो रहस्य है सामंजस्य वो बैठ सकता है। जब तक आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी, प्रवृत्तियां यदि आपकी भिन्न है, तो सामंजस्य चाह के भी आप नहीं बिठा सकते, क्योंकि दोनों को का जीवन को देखने का तरीका, जीवन को समझने का तरीका एकदम भिन्न है। यदि एक भोगी और योगी व्यक्ति को बिठा दिया जाए, एक मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल पर्सन को बिठा दिया जाए, तो आपस में वो 5 लाइन से ज्यादा बात ही नहीं कर सकते, एक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा उनके बीच, तो जिंदगी दोनों कैसे बिताएंगे? इसीलिए प्रवृत्ति देखकर ही अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करें। सही लाइफ पार्टनर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है खुशहाल गृहस्थी के लिए। खुशहाल गृहस्थी का दूसरा रहस्य है सामंजस्य, मतलब कोऑर्डिनेशन, कि पति एवं पत्नी के बीच सामंजस्य किस तरह का होना चाहिए। पति एवं पत्नी के बीच सामंजस्य दो पैरों की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से दो पैर आपस में सामंजस्य बिठाकर यात्रा संपूर्ण करते हैं, उसी तरह से पति एवं पत्नी के बीच सामंजस्य भी होना चाहिए। जिस प्रकार जो पैर आगे होता है वो बॉडी वेट को वहन करके पीछे वाले पैर को आगे बढ़ाता है, पीछे वाले पैर को सपोर्ट करता है। जब वो सपोर्टिंग मोड में आता है, जो पैर आगे होता है, तब पीछे वाला पैर आगे बढ़ता है। सपोज राइट पैर आगे है, तो वो लेफ्ट पैर को सपोर्ट करेगा, बॉडी वेट बियर करेगा और उस लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसी तरह से जब लेफ्ट पैर आगे आ जाएगा, देन अगेन जो काम राइट पैर ने उसके लिए किया था, वही काम रेसिप्रोसिटी में लेफ्ट पैर करेगा। वो बॉडी वेट बियर करेगा, राइट पैर को मदद करेगा, सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में। इसी तरीके से एक आगे एक पीछे, इसको आगे पीछे ना देख के एक सपोर्टिंग मोड में फिर दूसरा सपोर्टिंग मोड में, इस तरह से यात्रा संपूर्ण होती है। इसी तरह पत्नी को पति यदि आगे हो तो बुरा नहीं मानना चाहिए, पति को पत्नी यदि आगे हो तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि दोनों को मिलकर अपनी जीवन की यात्रा इस तरह से संपूर्ण करनी चाहिए कि पति यदि आगे हो और पत्नी पीछे हो, तो उसे पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए और पत्नी को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जब पति पीछे आए तो पत्नी पति को सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ाए। इसी तरह से वह गृहस्थी का जीवन की यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं और एक हमसफर सही मायने में बन सकते हैं। धन्यवाद।